हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजह। तो यार, जैसा कि रक्षाबंधन आने वाला है और हम पाकिस्तानी की तरफ से हमारे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, सारे इंडियंस को हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में। तो यार, बड़ा इम्पोर्टेंट डे है कल आप लोगों के लिए। कौन कौन तैयारी कर चुका है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा भाई। बहनों को राखी बांधने यार, वाक्य में यार, काश क्या इवेंट होता है यार भाई, वाक्य में काश यार हम भी इवेंट मना सकते हैं। हिंदू के यार, जो मैं कहता हूँ ना, ये जो इवेंट कल्चरल वाला इवेंट है यार, इतने कमाल के ना, मेरा दिल खुद करता है इनको मना। तो यार फिर जब आने वाला है तो उसका स्पेशल वीडियो भी तो आना चाहिए। तो यार काफी ज्यादा हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई, हमारे एक भैया प्रियांशु, वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के। तो वीडियो का टाइटल है रक्षा बंधन स्पेशल वीडियो बाय आशीष चंचलानी। तो भाई जल्दी से देखते हैं ये इनका वीडियो। तो इन वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कौन करते हैं स्टार्ट? बड़ा कमाल का बंदी आशीष यार। नॉर्मल डे क्या है, क्यों आया है? अरे तू, मेरे को लगा तकिया है। पूरा दिन पड़ी रहती है बेड में, पता ही नहीं चलता तकिया कौन है, इंसान कौन है। मुंह पे तो आ रहा है, तेरे को भी आ रहा है, बचपन से आ रहा है तेरे ऊपर, क्या करूं। तेरे बाल देख कितने मस्त है। कुत्ते का शैम्पू आया क्या मार्केट में? अच्छा, लॉकडाउन में कुत्तों का एसेंशियल मिल रहा है। सही पॉइंट मार, मिल ही रहा होगा। तेरी चांदी चल रही है, मिल ही रहा होगा। चल जा, बिस्किट लेके आ मेरे लिए। चल क्यों? क्यों मतलब लेके आ बाहर, क्या है? कोरोना फैला हुआ है बाहर। कुत्तों को कोरोना नहीं होता है, पता नहीं तेरे को? भाई ऐसे ही छेड़ते हैं बहनों को। ब्लैंकेट ले ली सारी। और हांशु, मुझे नींद आ रही है। छोड़ छोड़। तुझे पता है आज के दिन हांशु मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आज मेरे पास एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है। पापा मुस्की, पापा तुझे एक पेट चाहिए था ना, हमारे पास है ना ये सुअर। ऑइंक ऑइंक करता रहता है मेरा दिन। ऑइंक ऑइंक सुअर। पिंक तूने पहना है और सुअर मैं लग रहा हूँ। पापा नहीं होते, काले सुअर भी होते हैं, मेरे को ही देख ले, जंगली सुअर। ऑइंक 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 ऑइंक। मिठाई खा खा के बालों वाला गुलाब जामुन तो हो गए। हम बोलते कि यही कचरे का डब्बा है, घर का सारा बचा कुचा खाना एसी के पेट में तो जाता है। आशीष बहुत गंदे पॉइंट मार रहा है। अरे चेक कर रहा था, तू सो रही है कि नहीं, नींद आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं मदद करूँ, तकिया दबाऊ मुंह पे। हाँ अरे गेट आउट। चलता हुआ, गला वाला दर्द करे तो याद कर लेना, अच्छे से आके दबा दूंगा। स्नैक चोर। कितनी मेहनत से इस लॉकडाउन के 4 महीने मैंने ये चोरी की हुई जमा पूंजी जमा की है। ओ भाई, अब ये तो ये नहीं कहा रही। गई मुस्की चोर। पापा अरे छोड़ छोड़, क्यों पापा को परेशान कर रही है? पापा से ऐसा डरते हैं ना। ऐसी जगह सामान छुपाऊंगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा बेटा। बड़ी ऐसी अब छुपा के रख रही। अब इसे कैमरा लगाएंगे क्या इसके कमरे में? जा छत पे फेंक जा। जा रहता है घूम कर ले यार। असल में बहनों को जगह पता होती है ना यार। समुद्र में भी फेंक रहे।
पेप्सी। अबे रातों रात जीरा चुपके से मेरा आधा। अबे साली पागल तेरी बात, तू आधी कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या बच्चे की पूरी जान लेगी क्या? उसकी देख अभी हम सारा सामान तुम्हारा आधा था करेंगे, देख इज्जत से। ओके एक बॉटल तेरा, एक बॉटल मेरा, एक बिस्किट तेरा, एक बिस्किट मेरा, ये दो लेस तेरे, ये एक, ये दो मेरे, ठीक है? एक ओरियो तेरा, एक ओरियो मेरा, ठीक है? ये तू रख, ये मुझे नहीं चाहिए, देख खाना पापा खा लेंगे, चलेगा डन, पापा खा रहे हैं। नहीं 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 मुझकी आधा बट, आधा बट, आधा बट, कौन सा बेटर है ये? दादा वो ज्यादा था। ओ माय आशु यार ये लॉकडाउन में बहुत पैसे खर्च हुए यार, ऊपर से कुछ काम भी नहीं किया और ऊपर से रक्षाबंधन भी आ रहा है, तू क्या कर रहा है इस बार? अरे भाई मेरा तो सॉर्टेड है, मेरे बाप के पास इतना पैसा है ना, ऊपर से मेरा बाप इतना प्यार करता है ना मुझसे। फेक मत, तेरा बाप तेरी बहुत मारता है, मेरे को मारता है। इतना प्यार करता है मेरे पे जान छिड़कता है, जान क्या पेस्टिसाइड सैनिटाइजर सब छिड़कता है। अभी अपने बाप से 500 रुपया मांगूंगा तो 5000 तो देगा ना, तो 500 रुपए में मुस्कान को रक्षाबंधन पे चिपका दूंगा। और बाकी का क्या करेगा? ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट करूंगा। अरे हाँ वो ग्रो ऐप पे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट होता है ना? अब तो ग्रो वालों ने स्टॉक्स भी चालू किया, अभी तू स्टॉक्स पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने तो अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है, इतना फास्ट और वो भी फ्री में। कोई स्टॉक खरीदना हो तो वन क्लिक, कोई स्टॉक बेचना हो तो वन क्लिक, सिंपल है। ऊपर से जीरो ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रस्टेड ऐप्स इन इंडिया। मैं तो बोलता हूँ तू भी बाप के पास जा, पैसा ले और ग्रो में सही जगह पे इन्वेस्ट कर। नहीं नहीं मैं खुद के कमाए हुए पैसे ग्रो में इन्वेस्ट करूंगा। तू मुझे टॉन्ट मार रहा है ना? अबे मैंने कब मारा देखो। नहीं नहीं खुद के पैसे मतलब क्या, मतलब मैं तो बाप के पैसे उड़ाता हूँ ना। अबे पागल हो गए क्या? चल चल पापा। जब बाप राजकुमार उठ गए, इतना जल्दी क्यों उठे बेटा? अरे जा बेटा सो जा, 4 घंटा और सो जा, जा सो जा। ओके जवाब देता है इधर। मैं तू जो कह रहा सो जा, चुपचाप बैठेगा तू इधर, समझा? बड़ा क्या था मेरा बाप? हाँ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ चुप। अरे ये तो बड़ा गुस्सा कर रहा है। अरे बेटा मुस्कान उठ गई। अब इसको कैसे प्यार से बोल रहा है? अभी जल्दी उठ गई बेटा, पूरी रात लूडो खेल रही थी, थक गई होगी ना? कितना प्यार से बात कर रहा है। हाय माय क्यूट लिटिल डॉटर, आजा पापा के साथ खाना खा, आजा। हाँ पापा बहुत भूख लगी है। देखो चाहिए थोड़ी देर और सो जा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए। तभी पापा को आवाज देती थी, चुप हो जाता था। अरे बेटा मुझसे एक चपाती। नहीं मुझे एक चाहिए। रिकॉर्ड ले बेटा, एक चपाती से क्या होगा बेटा, तू खाया कर बेटा। देखो खुशी होती है, तू खाते तो मेरा पेट भर जाता है। पापा वैसे मेरे हाथ में प्लेट तक नहीं है और मिलनी चाहिए भी नहीं। बंद कर खाना, कोरोना से ज्यादा तो तू फैल रहा है। अबे बैठ उठा, हिल हिला शरीर, हिला पैर, हिला चल थोड़ा। तेरे को कल मैंने गाड़ी धोने को बोला था ना, नहीं धोए ना? आज तू टेरेस भी धोएगा जा। पापा आज मैं सोच रही थी कि हॉल का झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ आज। अरे नहीं नहीं बेटा, झाड़ू मैं हूँ ना, मैं मार लूंगा बेटा, क्यों टेंशन कर रही है? औलाद को काम नहीं करना चाहिए यार। और पोचा पोचा ये मरेगा। अरे समझा? बेटी की तरह देखा, हंसते उसकी तरह गुस्सा करता ही। यार ये एकदम जो एक्सप्रेशन है बहुत कमाल। इससे मुझे याद है, आप प्लीज आप मुझे 1500 रुपीस दे सकते हो? पूरा वॉलेट रख ले मेरे पीछे, ले रख 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 रख, इतना तेरे को कुछ भी चाहिए तू ले, रक्षाबंधन की भी शॉपिंग कर ले आज। ये बात होती है पापा, आई लव यू बाय। और कुछ चाहिए तो बताना, चेक फाड़ के दूंगा तेरे को, ठीक है? पापा मेरे को 500 रुपए चाहिए, पहले मेरे 1,20,000 निकाल फिर उधार मांग रहा है। वॉलेट वो लेके गई, मेरे पास नहीं है वॉलेट, और किस चीज के 1,20,000? रुक तेरे को भी तेरा डे बाय डे का हिसाब बताता हूँ। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ना, रूम में बैठा रहता है तू, कितने खर्च हो रहे हैं रूम में बैठे बैठे बताओ तेरे को।
20 रुपए का लाइट, 50 रुपए का फैन, 100 का एसी, 100 का टीवी, उसका जो खाता है 20 रुपए की सब्जी, 10 रुपए का आटा, उस आटे को रोटी बनाने के लिए और 10 रुपया, फिर 5 रुपए का नमक, उसके बाद खाता है इतना है, हगता है इतना है, पानी इतना इस्तेमाल करता है, फिर हगने धोने नहाने में 200 रुपया पानी का इस्तेमाल होता है, नहाना करके दिन में 800 रुपया खर्चा कर देता है, उसको राउंड ऑफ करो तो 1000 तो होगा ना, मतलब दिन का 1000, महीने का 30000, 2 महीने का 60000, 4 महीने का कितना हुआ, 120000, निकाल 120000, 500 देता हूं तेरे को, 500 दे। छी, ये कोई तरीका है पापा? मैं इस बार सोच रही थी कि रक्षाबंधन पे भाइयों से एक्स्ट्रा खर्ची कैसे वसूलूं। कॉल मी प्रोफेसर। ओके प्रोफेसर। इस बार तेरी रक्षाबंधन की खर्ची वसूलने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, और इस प्लान का नाम है राखी हीस्ट। राखी हाइस्ट, लाइक मनी हाइस्ट। मुस्कान, तेरे टोटल 3 भाई है और इस रक्षाबंधन में यही 3 हमारे मेन टारगेट होंगे। नंबर 1 जशन, नंबर 2 तनी एंड नंबर 3 आशु। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा जशन। तीनों भाइयों में सबसे इजी टारगेट है जशन, इसलिए तू जशन की आंखों में आंखें डाल के देखेगी और उसको बोलेगी, जशु जशु जशु, मेरा ना फोन खराब हो गया है, इस रक्षाबंधन में फोन लेस हो गए, तू मुझे फोन खरीदने के लिए खर्ची देगा? जिसका जशन रिप्लाई देगा चलेगा। ओ भाई हो गया। जशन के बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा हमारा सबसे छोटा भाई तनी। तनी जशन जितना भोला नहीं है, लेकिन तनी छोटा है, इसलिए तू तनी को आंखों में आंखें डाल के बोलेगी, तनी तनी तनी, मैंने पूरे लॉकडाउन में ना एक ही नया ड्रेस पहनी है, तू मुझे न्यू ड्रेस के लिए खर्ची देगा प्लीज? जिसका ऑब्वियस रिप्लाई तनी की तरफ से होगा चलेगा चलेगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, सबसे बड़ा सबसे हरामी 19.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मालिक आशु। अगर तू पूरी कन्विक्शन के साथ आशु की आंखों में आंखें डाल के उसको देखेगी और चिल्ला के बोलेगी, आशु आशु आशु, तुझे तो पता है मेरा मेकअप का चैनल है, पर ऐसा चैनल किस काम का अगर मेरे पास मेकअप ही नहीं है, तू रक्षाबंधन मुझे मेकअप के लिए खर्ची देगा प्लीज? आशु को जरा टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका रिप्लाई होगा चलेगा। नाइस प्लान पापा। मैंने कभी बोला प्लान पूरा खत्म हो गया, अभी तो मेन प्लान बाकी है। चलते हैं पहले भाई जशन की तरफ वापस। जिस जशन से तूने टूटे हुए मोबाइल के पैसे मांगे, उसी जशन के सामने तू सड़ा हुआ मुंह बना के बोलेगी, शिट यार फोन के पैसे तो हो गए, पर फिर मेरी रक्षाबंधन के ड्रेस के पैसे? अरे मुश्किल तो सैड क्यों हो रही है, देखो मैं ड्रेस के भी पैसे दे देता हूँ, तो न्यू फोन से न्यू ड्रेस भी ले लेना। टूटा हुआ फोन है, मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तेरे को नई ड्रेस के साथ नए फोन के भी पैसे दे देता हूँ। मेकअप का तो हो गया, पर फिर मैं करूंगी क्या? मेरी ड्रेस भी फट गई है, मेरा फोन भी टूट गया है, मैं अच्छे फोटोज भी नहीं निकाल पाऊंगी। ड्रेस और मोबाइल के लिए भी मैं तेरे को खर्ची दे देता हूँ। तो राखी हाइस्ट का कंक्लूजन ये है कि तेरे को तीनों जगहों से डबल खर्ची आएगी। जशन को लगेगा कि इसने मोबाइल और ड्रेस दोनों के पैसे दिए, तनी को लगेगा कि इसने ड्रेस और मोबाइल दोनों के पैसे दिए, और आशु को लगेगा कि इसने मेकअप ड्रेस और मोबाइल तीनों के पैसे दिए। को सही ठोक रहे हैं बीच में। कैसा लगा मेरा प्लान? वो ज्यादा तेज है ना, इसलिए। तुम लोगों को पता है मैंने मुस्की के मेकअप ड्रेस और फोन तीनों के पैसे दिए इस बार। कमला को भी लॉकडाउन के पहले ही जाना था बुआ के घर। हाय कमला, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू, आज दुनिया के सारे भाई बहन का बर्थडे है। हाँ कमला, आज भाई बहन का बर्थडे। बाय द वे बुआ नहीं दिख रही है, किधर है बुआ? तो घर छोड़ के चली गई। फूफा के साथ झगड़ा हो गया? एक्चुअली ना पूरी बिल्डिंग वाले घर छोड़ के चले गए। क्यों? पता नहीं, मैंने सबको सैनिटाइजर दिया और सब चले गए भाग के। ये तो अच्छी बात है, तूने सबको सैनिटाइजर दिया। मैं ना टेरेस पे गई, वहाँ पे ना पीने वाले पानी में सैनिटाइजर मिला दिया, जिसने भी पानी पिया सब चले गए। लगता ना बोला 99% छोड़, यही थाली में दिया जला दे। दिया को तो मैंने दिवाली में जला दिया था, तब से मिली नहीं है मुझे, लगता है जल गई मुझसे। राखी बांधते अभी। अरे हाथ आगे कैसे करूं? डॉक्टर से इनका चक्रा नहीं है, वीडियो कॉल चालू है। मैं भी कितनी गति हूँ, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ओह
भैया मैंने अभी राखी बांध दी है माउस पे, भैया मैंने ऐसे कॉपी कर दी है। हाँ, आप अपने माउस से पेस्ट कर दो राखी, आपके पास आ जाएगी। कीबोर्ड से नहीं करना, माउस से पेस्ट करना। ओ कमला, सुन सुन, हाथ जोड़ता प्लीज, राखी कुरियर कर दे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कुरियर में टाइम लगता है। तो फिर कैसे भेजेगी? ईमेल से। ईमेल? ईमेल से कैसे भेजेगी राखी? अरे सिंपल है, एक सेकंड। मेरे भैया की राखी, अभी मैं इस राखी को नहीं कमला, राखी तो आई नहीं है। ओह माय गॉड, बावली है यार। एक और आईडिया मेरे पास, चलो। ओ प्रिंटर, ओ प्रिंटर में घुसे, प्रिंट कर रही है। भैया मैंने राखी स्कैन कर दी है, अभी आप प्रिंट आउट निकालना और हाथ में पहन के घूमना। कमला मैं भी एक काम करता हूँ, मैं 2000 का नोट स्कैन करके भेजता हूँ, 5 कॉपी निकाल ले, 10,000 खर्ची हो जाएगी तेरी, है ना? ओह माय गॉड, थैंक यू सुनो 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 सुनो, उसको ना कलर स्कैन करना। हाँ क्या? वो क्या ना, नीचे दुकान वाले है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं लेते। चलो भैया बाय बाय, गुड नाइट। ओ कमला कहाँ जा रही है? अरे ओ ओ पागल, अरे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज यार वीडियो पे लाइक छोड़ के जाओ, आप लोग लाइक कर दो ना, दिल से खुश, दिल से अच्छा लगता है भाई। यार लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्चुअली सबको दिखाओ, हमने इस बार पूरी क्लीन कॉमेडी वीडियो बनाई है। ऑल्सो गाइज प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेरी बहन के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, मिस मैक ब्लर। ओ भाई इधर ये मस्त वीडियो बनाता है यार ये बंदा, मैं कहता हूँ एकदम सुपर है भाई ना यार। इसका यार जो पॉइंट थे शुरू के, जो अपनी बहन को ये पॉइंट मारता है, कहता है भाई तेरे बाल बड़े चमक, लगता है कुत्तों का शैम्पू आ गया। और भाई वो जो सोफे पे बैठी होती है, कहता तू बैठी हुई है गदा, मैं तो समझा कि भाई तू तकिया है वो, लेकिन भाई और अपने भाई को भी तो वो कहती है, भाई देख हमारा प्यारा सा सुअर है ये, वो कहते पिंक कपड़े तूने पहने हुए हैं, तो इस बार मुझे कह रही है। ये बहन भाई की इसी तरह लड़ाई इतना तंग करते हैं बहनों को, वाक्य बहने भाइयों को भी वैसे ही तंग करती है, ऐसा वैसा। और रक्षा बंधन वाला जब आया ना कि भाई इसे तूने ये लेने, उसका बाप उसको खुद से कहा इस तरह। लेकिन बहन की तुम सबसे भाई दुगना तिगना निकालती, और शीशे से तो कुछ ज्यादा ही, तीनों चीजें निकालती है। सब्सक्राइबर बताता ना, अब उसका नंबर है इतने इतने सब्सक्राइबर है, अब उसको नहीं छोड़ना, और वो होता भी तेज है, उसको तो नहीं छोड़ता, उसको तो छिक गई। लेकिन यार मैंने रक्षाबंधन में सबने आ की है, हाँ लेकिन ये त्योहार ही ऐसा होता है, यहाँ पे भाई मना नहीं कर सकता, भले भाई बहन जितना भी झगड़ा कर लेना, प्यार मोहब्बत का भाई है, जो बहन मांगती है उसको भाई मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। और यार बताओ कौन कौन तैयारी कर चुका और किस किस से सेलिब्रेशन की फुल एंड फुल तैयारी कर चुकी है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, किसके भाई दूर हैं वो आ रहे हैं, किसका क्या सीन है भाई, लाजमी अपनी शेयर करना। एक और चीज है कि इधर भी देखा ऑनलाइन जिस तरह रक्षाबंधन, तो आप लोगों का क्या सिस्टम है, जैसे कोई इससे दूर रहती है तो बिल्कुल बिल्कुल वो, हाँ वो या तो भिजवाएंगे या कुछ होगा अब, लेकिन कॉमेंट सेक्शन करना बताना। लेकिन एक बीच में वो खाने वाला बड़ा सीन था, मैं कहता हूँ जमीन के अंदर खाना गाड़ के रखा है गाड़ भाई, वो ढूंढ ही लाती है। लेकिन एक जगह और भी प्यार दिखाया है, वो जहाँ पे दोनों बहन भाई होते हैं और बाप होता है, बेटी को बेटा ये ले ले, पापा मुझे इतने पैसे, हाँ शुरू कहता है पहले तू मेरा 1,20,000 रुपया निकाल फलाने के लिए, 1,000 फलाने के लिए 500 फलाने, पूरा गिनवा देते हैं उसको। तो यार आप कटवास में हैप्पी रक्षाबंधन, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखी, तो बाय।